आज हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सेल फॉर्मूला में नेमिंग मेथड के बारे में। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने आपके साथ एरे फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किया था। एरे के बाद हमारे पास आती है फॉर्मूले में आता है नेमिंग कंसेप्ट। ध्यान से देखिएगा, इसका इस्तेमाल आगे चल के आपका बहुत होने वाला है, इसलिए प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो नेमिंग कंसेप्ट, सबसे पहले बात जानिए नेमिंग क्या, नेम क्या होता है, नेम मैनेजर डिफाइन नेम होता क्या है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इससे हम क्या क्या करते हैं। तो इसमें हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि जैसे कि एक एरिया है, जैसे हमने एरिया लिया और इस एरिए को हम बात करें तो इस एरिए को आप अपने हिसाब से कुछ और कह सकते हैं, जैसे कि इस एरिया का एड्रेस है C1A1 से लेके E9। लेकिन होता है क्या, कैलकुलेटर में कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नेम हो जाते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला बार में जाते हैं और उसको डिफाइन नेम करके एक नाम देते हैं, जैसे हमने RN दे दिया नाम। अब कंप्यूटर इसको C1A1 से E19 को नहीं रीड करेगा, वो रीड करेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया सम RN, RN के हिसाब से जानेगा। अब इसका इस्तेमाल इसी चीज के लिए नहीं होता है सिर्फ, इसका इस्तेमाल इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों पे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अब हमने सिलेक्ट कर दिया, अब नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए इसमें फ्रीजिंग का कोई होता ही नहीं। जैसे वी लुकअप अगर आप लगा रहे हो, आपका डेटा एरिया फिक्स है तो बहुत बार वी लुकअप लगाना है और आपको ड्रैग सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट यही है कि आप नेम डिफाइन कर लिया और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 2007 और उससे लोअर वर्जन में जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, डेटा वैलिडेशन हो गया, इन सब चीजों में दूसरे सीट का रेफरेंस डायरेक्टली नहीं लेता था, तो उस केस में हम इसी का इस्तेमाल करते थे, राइट। लेकिन नेमिंग मेथड क्या है? आपने एरे में देखा ही होगा कि हमने एरे में एरे की जगह पे स्टोर किया था, वही नहीं, हम इस पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसी के बारे में हम आपके साथ आज हम डिस्कस करते हैं। उसके तीन चार एग्जांपल हम देंगे, बाकी 8-10 एग्जांपल आप खुद क्रिएट कीजिएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। आपको याद होगा कि जब मैंने आपकी फॉर्मूला स्टार्ट की थी तो आपको मैंने कैलकुलेशन का टॉपिक कराया था, याद है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है और मुझे यहां पे इंटरेस्ट निकालना है, राइट। तो 50,000 इसपे मैंने दे दिया 7% और टाइम दे दिया 3 साल। इसके लिए आपके पास PMT का फॉर्मूला तो है ही, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद होगा मैंने आपको कैलकुलेशन मेथड जब पढ़ाया था तो उसमें हमने मैथमेटिकल ट्रिक का इस्तेमाल किया। मैथमेटिकल ट्रिक कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 + R/N। याद है कुछ मेमोरी में कुछ आया? पावर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाई एन। हरीश जी कुछ याद आया? तो यहां पे हम सिंपल करेंगे इस तरह से कि पी मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में देंगे 1 + वापस ब्रैकेट देंगे R/N 12 फॉर फीस का पावर देंगे टी मल्टीप्लाई बाई 12 और फिर इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे। तो इतना लंबा कैलकुलेशन हम तो कर लिए, आप भी कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हर बार इतना लंबा कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एवरी टाइम इस तरह की कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डिफाइन नेम में जाएंगे, इसका नाम डाले INT नाम डाल देता हूं और
जो फॉर्मूला हमने यहां इसमें लगाया हुआ है, वही फॉर्मूला हम डिफाइन नेम में INT में हम यहां इसके जगह पे दे देंगे। एरिया, अब बस यहां पे सिर्फ INT लिखना, चलिए यहां है ना, इक्वल INT लिखना है और एंटर मार देना है। सेम कैलकुलेशन हो गया, आया समझ में? इसे कहीं भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी इस फाइल में कहीं भी क्लिक कॉल कर सकते हो आप, लेकिन वही रहेगा पर जहां आप लगाओगे वो फॉर्मूला, और रेफरेंस उससे अपने आगे को लेगा। रेफरेंस इसका फिक्स होता है। हाँ वो तो फिक्स ही है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं 60,000। मैं यहाँ पे देता हूँ 3% और मैं आ देता हूँ 5 ईयर। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, तो इसी का बताएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया INT, तो फिर वो अपने से अगले 3 को लेगा, समझे? और इसको चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहां के लिए चेंज किया तो फिर यहां भी चेंज हो जाएगा। एक माइनस पॉइंट है, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट इसके बहुत सारे हैं। जैसे कि याद होगा मैंने एक MRP का फॉर्मूला बनाया था, याद है? MRP के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था कि एक का कॉस्ट जो है वो है, तो उसके लिए हमने बोला था 5%, 10%, 20%, और इसके लिए बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन बना था। सुमित जी, हरी जी, याद है या भूल गए? अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, बट कुछ कुछ याद है कि MRP का कराया था आपने। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैनुअली हमने करने के लिए क्या किया था, कि इसका 5% और फिर हमने इसमें इसको प्लस कर दिया, राइट? फिर यहां पे हमारा था कि भाई इसका 10%, और फिर इसमें हमने प्लस कर दिया। फिर हमने बोला इसका 15%, और फिर हमने इसको प्लस कर दिया, और फिर मैंने इसको बोला 20% द लास्ट, और इसमें प्लस कर दिया। अब इसको हम इकट्ठा जब कंबाइन करेंगे तो 4-5 लाइनों की फॉर्मूला बन जाएगी, कॉपी पेस्ट मन से, जो मैंने बताया था आपको। अब इसी चीज को देखिए हम नेम मैनेजर कैसे करते हैं। डिफाइन नेम में हमने क्या किया, MRP नहीं, हम वन बाई वन कैलकुलेशन इसी के अंदर कर लेंगे। जैसे कि पहला है मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, MC, एम अंडरस्कोर सी कर दीजिए, कोई MC नाम का फॉर्मूला हो सकता है। तो इक्वल हमने बोला कि इसको, अब इसमें याद रखिएगा डॉलर साइन नहीं होना चाहिए, वरना फिक्स हो जाएगा, ठीक है? B10 × 5%, और हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस B10, राइट? अब डिफाइन नेम में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट, मतलब कि DC। अब मैं यहां पे बोलता हूं कि M_C × 10%, और इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस M_C, तो DC निकल गया। अब उसके बाद अगला कैलकुलेशन करेंगे, हमें इसका हो जाएगा होलसेलर SC, और यहां पे हमारा सेम इक्वल D_C, सॉरी गलत हो गया, यहां C × यहां पे 15%, और इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, और इसमें हम प्लस करते हैं D_C। उसके बाद लास्ट हमारा है दैट MRP, और MRP कहता है कि SC, SC का 20% और प्लस हो SC, और इसको हम
ब्रैकेट में दे देते हैं ताकि दिक्कत ना कैलकुलेशन। अब देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन, हम इसको यहां पे इक्वल जस्ट एमआरपी लिखेंगे और यहां पे एमआरपी में ये एरर जो है, अच्छा हाँ यहाँ पे एस अंडरस्कोर है ना, यहाँ गलती है, अनक्लोज कर, रिजल्ट आ गया। लेकिन इसी को आप करेंगे तो यहाँ पे चार पांच लाइनों का फॉर्मूला बनेगा, जिसको करेक्शन करना मुश्किल है। अगर आपको अगर नहीं लग रहा है कि नहीं ये तसलेंदी हो गया तो मैं आपको करके बताता हूं, रुक जाइए, इसको पेस्ट किया, इसको कॉपी करता हूं, यहां C13 में इसको ब्रैकेट में हम इसको रखते हैं और हम इसको पेस्ट करते हैं, और यहां भी C13 है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, और वापस सॉरी इसको इसको कॉपी करेंगे, यहां इसको कॉपी करते हैं और यहां पे D12 पर रखते हैं और यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं, वापस इसको कॉपी करते हैं और इस पे हम रखते हैं और पे कॉपी करते हैं और इस पे हम D13 पेस्ट करते हैं, D13 पेस्ट करते हैं, फिर वापस इसको कॉपी करते हैं और यहां E13 में इसको हम पेस्ट करते हैं, वापस हम इसको कॉपी करते हैं फाइनल रिजल्ट को और यहां E13 के अंदर इसको हम ब्रैकेट में पेस्ट करते हैं और यहां भी E13 है तो इसको भी सिलेक्ट करके हम पेस्ट करते हैं एंड द लास्ट हम इसको कॉपी करेंगे। ये तरीका मैंने आपको कैलकुलेशन की पहले रे में सिखाया था, अब इसको हमने इसको पेस्ट कर दिया तो फाइनल रिजल्ट आपका ए है, इसमें कट करके यहां रखता हूं। अब आप इस विचार कीजिए कि ए जस्ट एमआरपी लिखा हुआ है, एक सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी इसमें इजिली अप्लाई कर सकता है, और ये देखिए आपका एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है जिसको अप्लाई थोड़ा सा मुश्किल है करना। दूसरी चीज, मान लीजिए कि कल के डेट में 5% नहीं 7% हुआ, तो इसमें देखिए 7% 5% को कितना जगह पे 7% करना पड़ेगा, दिक्कत होने के चांसेस हैं, दिक्कत हो सकते हैं, गलतियां हो सकती है क्या, बट इसमें अगर चेंज करना हुआ तो हम एमआरपी पे जाएंगे जो हमारा पहला एमसी मैन्युफैक्चरर कॉस्ट है, यहां पे 5 की जगह पे 7 कर देंगे और एक इजिली हो जाएगा, राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उसी दिन इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया, क्या नजर बिस्लेरी का बॉटल, बिस्लेरी बॉटल में पानी पीने में पानी का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है जितना किसी एक रेगिस्तान में गड्ढा खोद के पानी निकाल के पीने में होता है, इसलिए हम पहले कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको बताएं ताकि थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सा सर के बाल नोचिए, उसके बाद जब मैं इजी तरीका आपको बताऊंगा तो फिर ये तरीका आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, समझ गए। चलिए अब अगली सी इसी की अगली एग्जांपल पर चलते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको इंसेंटिव के लिए यहां पे इंसेंटिव के लिए बहुत सारे नंबर्स लिखे थे हम, और हमने बोला था कि एक स्लैब दिया था यहां पे कि अगर 0 to 40 हुआ तो इस पे हम देंगे 500, 40 to 80 हुआ तो देंगे 1000, या ग्रेडिंग सिस्टम भी देख लीजिए ना, ग्रेडिंग सिस्टम भी था 100, 2000 और ग्रेटर देन 100, 5000। तो इसके लिए यहां पे हमने वी लुकअप भी इस्तेमाल किए थे और इसके लिए हमने कॉम्प्लिकेटेड इफ भी इस्तेमाल किया था, जैसे कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू अगर 40 है तो यहां पे 500 आए। देन अगेन इफ हमने बोला अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहां पे 1000,
अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे 2000 अदरवाइज 5000। तो जो फॉर्मूला आपने जैसे यहां लगाया ना सेम हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे और हम यहां डिफाइन नेम में जाएंगे। याद रखिएगा डिफाइन नेम में लिखते समय कर्सर आपका वहीं पे होना चाहिए क्योंकि कर्सर जहां होगा उसी के हिसाब से वो अगला पिछला जो वैल्यू होती है वो वैल्यू को लेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैंने बोल दिया INC इंसेंटिव का नाम से बनाया और यहां पे हमने वो फॉर्मूला पेस्ट कर दिया इसका जो फॉर्मूला था। ठीक है अब यहां पे देखिए INC आपने देखा गड़बड़ हो गई ना, हमने पोजीशन क्या किया हमने ऊपर कर दिया, दिख रहा है ना आपको सर, इसलिए कर्सर यहीं पे होना चाहिए जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं। तो यहां पे INC करेंगे देखिए ऊपर जा रहा है, इसी गड़बड़ की मैं बात कर रहा था, अभी गड़बड़ सुधारा कैसे जाएगा। तो यहां पे जो आपका यहां पे INC है ये देखिए A1 आ रहा है यहां पे, अब इस A1 को आप कर दीजिए A2, बस यही करना है, जहां जहां A1 है वहां वहां A2 कर दीजिए। ठीक है अब करेक्ट, यहां करेक्ट के निशान लगाइए एक करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इक्वल यहां पे INC करूंगा तो रिजल्ट सही आएगा, सही आया। एक चीज और याद होगा आपको कि सेम इसी तरह का एग्जाम्पल था हमारे पास, याद है उसमें हमारे पास स्लैब इंसेंटिव था, कि अगर आया तो 20 रुपीज पर यूनिट, या आया तो आपका मान लीजिए 80 रुपीज पर यूनिट, और यहाँ पे मैंने कर दिया 100 रुपीज और यहाँ पे आपका 500, ये यूनिट है। मतलब मैं शायद आपको इससे समझाया था फिर भी मैं एक बार बता दूं क्योंकि आप लोगों की थोड़ा सा मेमोरी वीक है ऐसा लगता है मुझे, माफ कीजिएगा, कि अगर मैं यहाँ पे 45 में लिखा तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 80 होगा, समझे, कि अगर यहाँ पे 85 हुआ तो 40 मल्टीप्लाई बाई 20 होगा प्लस अगेन 40 मल्टीप्लाई बाई 80 होगा, क्योंकि पहले 40 से हम लोग बिजली बिल भरते हैं, हम इनकम टैक्स भरते हैं, वही होगा, और फिर 5 मल्टीप्लाई बाई हमारा 100 होगा। अब एक इसकी कैलकुलेशन में हमने बहुत लंबा कैलकुलेशन किया था, लंबा फॉर्मूला लिखा, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ दो तरीके हैं, दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते, जैसे हम यहाँ पे स्लैब वन बनाता हूं, पहला स्लैब कहता है कि दैट इज मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए H5 है ना, H5 मल्टीप्लाई बाई 20, पहली स्लैब सिंपल है। फिर हम यहाँ पे दूसरा एक इन्वर्टेड कॉमा आ गया, नहीं आना चाहिए, अब सही है। फिर दूसरा है स्लैब टू कहता है कि इक्वल 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस H5 माइनस 40 और O मल्टीप्लाई बाई होगा 80। देखिए स्लैब टू, ओके अब तीसरा स्लैब आपका स्लैब थ्री यहां पे आप दोगे इक्वल 40 मल्टीप्लाई बाई 20
प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस यहाँ बोलेंगे एच एच फाइव माइनस 80 क्या होता है, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें। चार अब इसमें तीसरा स्लैब करते हैं, स्लैब थ्री। स्लैब थ्री में क्या होगा कि उसी तरह से करेंगे जैसे हमने किया है कि ट्वेंटी प्लस म्यूट कर, प्लीज म्यूट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 40 मल्टी 20 हो जाते हैं, हाँ 20 मल्टीप्लाई बाय 100 और प्लस हमने बोला एच फाइव माइनस 100 और जो रिजल्ट आएगा उसमें से मल्टीप्लाई होना है 500 रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ओके कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से करना पड़ेगा। ओके चलिए स्लैब फोर करना था ना, हम स्लैब थ्री कर लिए, स्लैब फोर इक्वल प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस एच फाइव माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 500। हाँ चार स्लैब हो गया। अब हम यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो स्लैब स्लैब वन शो करें, देन इफ इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू 80 है तो स्लैब टू को करें, फिर इफ हमने बोला अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो स्लैब थ्री को परफॉर्म करें अदरवाइज स्लैब फोर को परफॉर्म, और फिर हमने एंटर आपके सामने रिजल्ट। अब चाहो तो इस रिजल्ट जो आपके पास आया है इसको भी आप डायरेक्ट रिफाइन नेम में डाल सकते हो, एस आई एन सी के नाम से मैं लिखता हूं और यहां पे इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दो एंड डबल इक्वल है ओके okay. तो नीचे हम यहां पे लिखेंगे इक्वल एस आई एन सी, ठीक है समझ में आया सर। ये था आपका नेमिंग मेथड, तो इसको ऐसे सिर्फ देख लेने से या इसकी रिकॉर्डिंग को देख लेने से आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप इसके ऊपर आप वर्क नहीं करते हैं। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग कुछ देर में यूट्यूब पे भी आ जाएगी और ड्राइव में भी चली जाएगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, देख लीजिएगा, अदरवाइज आप ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एक ये वाली जो चीज, हेलो हाँ बोलिए, ये फाइल मैं मेल कर देता हूँ, मुझे पता है आप यही बोलने वाले हैं, ये फाइल मैं आपको मेल कर देता। नहीं नहीं मैं मेल की बात नहीं कर रहा, मेल तो आप कर ही रहे हैं, मैंने देख ही लिया। मेरा ये कंसर्न कि अभी ये जो आपने फॉर्मूले और थिंकिंग का ये फॉर्मूले बताए ये सेम शीट पे काम करेगा, सेम एक्सेल पे काम करेगा या अंदर कहीं भी काम करेगा, बस वही जो एड्रेसिंग का सीक्वेंस समझाया वही सीक्वेंस रहे। लेकिन अगर मैं इसको सेम चीज को कहीं भेज देता हूँ फाइल को तो ये फाइल के साथ ही जाएगा, फाइल के साथ ही जाएगा क्योंकि फाइल के प्रॉपर्टी में सेव है। ओके और इसके है? लिए हमें वो लगाना भी नहीं पड़ेगा एक्स आई, कोई जरूरत नहीं है वो वीवीए के लिए जो एक्सएल आई एस, ओके एक्सएल एस एक्स नहीं लगाना, तो एक्सएल एस बी नहीं लगाना। और कुछ पूछना है किसी को? आपने तो लगाया है इसमें एक्सएल एस एम, मेरा डिफॉल्ट है वो। मैं डिफॉल्ट सेट कर रखा है, हर फाइल को इसी में सेव होगा और एक्सेल एस एस एक्सेल एस एम से कोई डिफरेंस नहीं होता है नॉर्मल एक्सेल में, ठीक है।
ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम। कल का टॉपिक हमारा जो होगा वो हम डेटा कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कनेक्टिविटी लेसन, डेटा कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी, हम एक्सटर्नल डेटा को एक्सेल में लाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।